हेलो जो आ गए आप लोग मेरे चैनल पे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। एक्चुअली में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बच्चों को डरावने लगते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, बस बच्चों को इसका करेक्ट फॉर्मेट नहीं पता होता है। वो मैं फॉर्मेट आपको बताता हूँ इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर, आप पक्का इन क्वेश्चन को करना सीख जाएं। बस मेरे साथ पेशेंस के साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो। सबसे पहले मैं आपको काम बताना चाहूंगा, इस टाइप की जो वीडियो ये क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर जो लास्ट टर्म होता है ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमें तोड़ के दो ब्रैकेट के फॉर्म्स में लाना होता है। दो ब्रैकेट का फॉर्म मतलब अभी मैं जब करूंगा तब आपको समझाऊंगा दो ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लाना होता है, फिर उन्हीं का मेन काम होता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो इधर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो क्या, मैं ये लिख सकता हूँ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिख सकता हूँ ना। तो बस मैं यही बोल रहा था कि हमको इन दो ब्रैकेट की फॉर्म में तोड़ना होता है। इसको कैसे करके दो ब्रैकेट की फॉर्म में ले आइए, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इन्हीं दो ब्रैकेट्स को एक बार प्लस करके देखिए, जैसे ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है ये हमारा सेकंड ब्रैकेट है, इन्हीं को मैं तीन कंडीशन बता रहा हूँ, एक बार प्लस करके देखिए, एक बार इसमें से इसको माइनस करिए, एक बार इसमें से इसको माइनस करिए। क्या बोल रहा हूँ, एक बार इन दोनों ब्रैकेट्स को प्लस कीजिए, एक बार इसमें से इसको माइनस कीजिए, एक और इसमें से इसको माइनस कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो आपका ये बीच वाला जो टर्म होता है हमको लाना होता है, ये टर्म आपका आ जाएगा। देखिए कैसे, एक बार प्लस करते हैं ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो बी से बी चला के क्या आ गया 2a, बट हमको चाहिए क्या 4b, हमको क्या चाहिए 4b चाहिए, बट अभी आया 2a, तो क्या करते हैं इसमें से इसको माइनस करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ए से ए गया कितना आ गया 2b, 2b आ गया, हमको क्या चाहिए 4b, तो क्या मैं इसे 4b को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 4x² प्लस 2 इंटू 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ ना। तो बस हमारा काम हो गया, इस 2b की जगह हम किसको लिख देंगे, 2b की जगह हम इनको लिख देंगे और इनकी जगह हम इनको लिख देंगे, बस हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा तरीका, बट ये तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपके इसके कम से कम आप 10 क्वेश्चंस कर लोगे तो इसके बाद आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेगा। ये देखिए फोर एक्स स्क्वायर प्लस 2b की जगह क्या लिखते हैं हम ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, क्योंकि हमको 2b मिला कैसे, हमको ये तो करके मिला, तो यही करना है हर एक क्वेश्चन में, आपको यही करना है हर एक क्वेश्चन, आपका इसी तरीके से हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस, इसको मैं हटा दूं साइड से, हाँ इसको हटा देते हैं माइनस, इसको जो हमने ये दो ब्रैकेट बनाए, हमने ये जो दो ब्रैकेट बनाए इसी फॉर्म में इसको लिख दो फिर से, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, 4x² प्लस 2 को अंदर भेजा 2 ए प्लस बी और इधर से x को अंदर भेजा x, नहीं समझ में आया क्या किया मैंने, इस 2 को अंदर भेज दिया 2 इंटू ए प्लस बी, अब इस 2 को यहाँ पे भेजता हूँ माइनस 2 ए माइनस बी, ठीक है अभी तो समझ में आ रहा होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको 4x² प्लस, अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट हट जाएगा, आ जाएगा 2 a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये स्टेप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर आपने जो नॉर्मल क्वेश्चन किए होंगे उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर से कॉमन निकालना है और लास्ट के टू टर्म्स में से कॉमन निकालना है, यही काम आपको यहाँ करना है। यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए एक तो एक्स तो आता ही आता है कॉमन, उसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालना, यहाँ पे बचा 2x प्लस 2 और x निकल गया, क्या बचा a प्लस बी है ना, 4x² में से 2x कॉमन निकाल 2 बचा और x² में से x बचा यहाँ पे, और फिर यहाँ से 2 भी निकल गया बाहर, x भी निकल गया a प्लस बी, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, देखिए एक तो माइनस वन में कॉमन, हमने माइनस निकाल दिया,
दूसरी बार दोनों में क्या कॉमन है, ए माइनस बी, ये इक्वल नहीं है, ये माइनस था। दूसरी बार दोनों कॉमन क्या है, ए माइनस बी, एक तो माइनस कॉमन था, टू इसमें है इसमें नहीं है, एक्स इसमें है इसमें नहीं है, तो हमारा बचा क्या, ए माइनस बी, तो माइनस का ए माइनस बी हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, टू एक्स प्लस ए प्लस बी। और बच्चों आप लोगों को एक बात पता होगी, अगर हम जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते तो हमको इसी स्टेप पे पता चल जाता है हम सही कर रहे हैं या गलत, अगर सही कर रहे होंगे तो ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आते हैं हमेशा, तो यही चीज हमको यहाँ चेक करनी है, ब्रैकेट हमारे सेम है, ब्रैकेट सेम है तो मतलब हम क्वेश्चन सही डायरेक्शन में चल रहा है हमारा। इसके बाद टू एक्स माइनस ए माइनस बी एक ब्रैकेट में एंड अदर ब्रैकेट में टू एक्स प्लस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। इसके बाद आपको पता ही है क्या करना होता है, क्या आएगा, टू एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, और इधर आएगा टू एक्स प्लस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से सभी उस टाइम साइड को भेज दिए, ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस का साइन इधर भेज दिए, क्या हो गया ए प्लस बी। और ऐसे नहीं करना तो क्या कीजिए, माइनस को पहले अंदर ट्रांसफर कीजिए, ऐसे समझ में नहीं आया तो क्या करना है, टू एक्स माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, माइनस का यहाँ पे माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, और सबको उस टाइप ट्रांसफर कीजिए, टू एक्स इक्वल टू माइनस का इधर आके प्लस का है, प्लस का भी इधर आके माइनस का भी, एक्स इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन टू। ये एक एक्स की वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू निकालनी वो यहाँ से निकलेगी, कैसे निकलेगी, ये भी सेम उसी तरीके से, टू एक्स इक्वल टू ए प्लस बी माइनस प्लस के उधर जाके माइनस के ए प्लस बी, एक्स इक्वल टू माइनस का ए प्लस बी अपॉन टू। आपको किसी ना किसी एक केस के अंदर आपको जो चाहिए बीच का मिडल टर्म, जो चाहिए आपको रिक्वायर्ड मिडल टर्म वो मिल जाएगा, बस हल्का सा दिमाग लगाना होगा, क्या पता है यहाँ पे भी टू इंटू टू करना था, टू फोर देखते तो आता ही फोर यहाँ से है ना, हमको फोर्थ भी चाहिए था, फोर भी यहाँ पे कहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था यहाँ पे, जब पहले लिखा था मैंने नहीं आ रहा था, टू भी आ रहा था, तो हमने यहाँ पे जमा लगाया फोर बी, हम टू इंटू टू भी लिख सकते हैं, सिंपल नोट कर लीजिए इसको करना हो तो। चलिए इसके बाद हम आपको करा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला इस वाले क्वेश्चंस के अंदर बच्चों मैंने क्या बोला था, लास्ट वाला टर्म है उसी को हमें दो ब्रैकेट बनाने हैं, तो पहले लास्ट वाले टर्म के ब्रैकेट बन कैसे सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर जो टर्म है फोर बी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू है, हमारा जो फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसकी वैल्यू है, और ये बी जो ए स्क्वायर वो बी स्क्वायर की वैल्यू है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यही तो फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पर सिचुएशन क्या फंसा दी है कि ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, अब तो समझ में आ गया होगा, तो इसी को कन्वर्ट करते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ टू बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना टू का स्क्वायर करेंगे फोर, बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, तो फोर बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ टू बी माइनस ए टू बी प्लस ए, तो ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अब इसी से हमको ये लेके आना है मिडल टर्म क्या चाहिए, टू ए चाहिए हमको, टू ए, टू ए कैसे बनेगा, और प्लस करके देखेंगे दोनों को, प्लस करेंगे क्या आएगा टू बी माइनस ए प्लस टू बी प्लस ए, ए से ए चला गया फोर बी, ये तो चाहिए नहीं था टू ए चाहिए, इसमें से इसको माइनस करते हैं 2b माइनस ए माइनस टू बी प्लस ए, टू बी माइनस ए माइनस के अंदर भेजा माइनस टू बी माइनस ए, टू बी से टू बी क्या आ गया माइनस का टू ए, माइनस का टू ए तो चाहिए था, आया कि नहीं, माइनस का टू ए, तो हमको कैसे मिला, इसमें से इसको माइनस करने पे मिला, यही बात हमको अब यहाँ पर इसे लिखना है अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए की जगह क्या लिखना है, टू ए हमको कैसे मिला, इसमें से इसको माइनस करने पे, लेकिन कैसा टू मिला माइनस का, देखो तो ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, देखिए आपको क्या बता रहा हूँ मैं, ये हमको माइनस टू मिला, तो हमको
ये किस इससे क्या है ना -2a, तो ये हमको ये -2a की जगह पे तो ये पूरा रखना पड़ेगा है ना। अगर मैं ओनली ऐसे रख दूं माइनस और यहाँ पे ऐसे रख दूं 2b-a -2b+a, तो एक बात आई मैंने ये वैल्यू किसकी जगह रखी, ओनली 2a की जगह, बट वैल्यू आई किसके लिए थी -2a की जगह। बात समझ में आया है ना, तो हमको क्या करना है -2a की जगह पूरी वैल्यू को रखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। कंफ्यूजन हो रहा है? अच्छा चलिए एक बात छोड़िए, कंफ्यूजन हो रहा है छोड़िए, इसको छोड़िए, मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, इसमें से इसको 2b+a -2b-a ठीक है, 2b+a -2b+a, क्योंकि ये माइनस बाहर था तो अंदर गया, तो माइनस का ये प्लस का, 2b से 2b गया, अब वैल्यू किसकी आई 2a की आई ठीक है। ये वाली वैल्यू कंसिडर कीजिए, पहला वाला भूल जाइए, इसमें इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, अभी आप नहीं हो, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ये वैल्यू किसकी आई 2a की, मैं जरा इसको हटा देता हूँ कपड़ा पहन के, अब देखिए वैल्यू किसकी है 2a की। अब माइनस को मैं एडिट पुट कर सकता हूँ, 2a की जगह क्या लिखना है मुझे, ये 2b+a -2b-a इंटू एक्स, 4b² -a² ये लिख सकता हूँ, -2b-a एंड 2b+a। मैंने बोला था ना जिस दो ब्रैकेट को आप लेके आओगे वही दो ब्रैकेट यहाँ पे लिखने होते हैं है ना, ये तो मैंने बोला था इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर इधर से एक्स को मल्टीप्लाई किया -2b+a इंटू एक्स, और यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2b-a इंटू एक्स -2b-a एंड 2b+a इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करना है, पहले दो में से कॉमन क्या है, कॉमन x, यहाँ पे क्या देगा x -2b+a, इन दोनों में से कॉमन क्या है 2b-a, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉमन प्लस का 2b-a, अंदर क्या आएगा वहां पे x -2b+a, और मैंने बताया था अगर सही कर रहे होंगे तो हमारे ये दो ब्रैकेट सेम आएंगे, दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, ये दो ब्रैकेट बोल रहा हूँ मैं, ये दो ब्रैकेट सेम आएंगे और दोनों ब्रैकेट सेम, मतलब इसका हुआ कि हम क्वेश्चन को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। इसके बाद क्या करना होता है, एक्स प्लस 2b-a एक ब्रैकेट में एंड एक्स -2b+a एक ब्रैकेट में, और इसके बाद वही हमारा काम दो बार करेंगे, तो एक बार क्या आएगा एक्स प्लस 2b-a इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू 2b+ का इधर आके भेजा तो माइनस का 2b-a प्लस का a ठीक है, और इधर से हमने एक्स -2b+a इक्वल्स टू जीरो, इसकी वैल्यू आएगी एक्स इक्वल्स टू 2b+a। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस मेन काम आपको क्या करना है, ये जो टर्म है इसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि दो ब्रैकेट मिल जाए, और दो ब्रैकेट आपको हमेशा आप कैसे मिलेंगे, एक बार तो या तो आपकी a²-b² आइडेंटिटी बन रही होगी वहीं से दो ब्रैकेट मिलेंगे, या फिर क्या होगा आपकी लास्ट में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको भी सॉल्व करने का तरीका है। हाँ हमारे पास क्वेश्चन है ये, इसमें क्या इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं बन सकती ना, तो इसके लिए क्या होगा लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये खुद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मतलब पूरा क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन के होने के साथ साथ ये जो लास्ट टर्म है ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैं कराता हूँ, ये नोट करना है तो नोट कीजिए वरना हटाते हैं, अभी हटा रहे हैं। अब मैं जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये आ रहा है कि नहीं वीडियो ऊपर तक, सॉरी हाँ आ तो रहा है ठीक है, ए मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको क्या करना होता है, इसको तोड़ना होता है, बट ये हमारी a²-b² आइडेंटिटी है, या फिर कोई इसकी ऑलरेडी कोई और भी आइडेंटिटी नहीं बन रही, कोई और भी फॉर्मूला नहीं बन रहा जिससे हम इसको दो ब्रैकेट फॉर्म में ला सकें,
लेकिन आपने इससे पहले फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस किए होंगे, जिसके अंदर आप जब सॉल्व करते होंगे तो लास्ट में आके एक दो ब्रैकेट बनते हैं। हाँ, पहले आप फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किया, फिर उनके प्राइम फैक्टर्स किए, वहाँ से दो ऐसे टर्म बनाए जिससे बीच का जो नंबर है वो आ जाता है, फिर उसके बाद कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद लास्ट की स्टेज पे दो नंबर मल्टीप्लाई में आते हैं ब्रैकेट में, फिर उनको अलग अलग करते हैं ना। नहीं आ रहा? ठीक है, मैं इसको करके दिखाता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट आएगा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान इस तरफ कंसंट्रेट करके समझिएगा। सबसे पहले तो इसको मैंने लिया, इसको लिया है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस सिक्स, ठीक, माइनस सिक्स इतना लियो, माइनस सिक्स है ना। मैंने क्या बोला, ये हमारी खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर का लास्ट से मल्टीप्लाई किया, क्या आया सिक्स ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक ऐसा नंबर बनाना है जिसका मल्टीप्लाई करें तो सिक्स स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो बीच का नंबर हमको मिल जाए, ठीक है। यही तो बोला, आया क्या माइनस का सिक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका नंबर आता है माइनस का थ्री ए प्लस का टू ए, माइनस का थ्री ए, माइनस का थ्री ए नहीं, थ्री ए माइनस का टू ए, थ्री ए में से टू ए हटाएंगे तो a मिल जाएगा, और 3a का 2a मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस का 6a स्क्वायर, 3a का माइनस 2a मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6a स्क्वायर। तो मैं ये तो बोल रहा था, इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6, a कॉमन निकाला, a प्लस 3 माइनस 2, a प्लस 3, a माइनस 2, a प्लस 3, देखिए बन गए दो ब्रैकेट। यही तो मैं बोल रहा था आपसे, यहाँ पे दो ब्रैकेट बन गए हमारे। इस टाइप के क्वेश्चन जब पीछे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो उसमें क्या बनते हैं, दो ब्रैकेट आ जाते हैं हमारे। इसमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनेगी तो दो ब्रैकेट बनाने हैं, मतलब आई मीन कॉन्स्टेंट टर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी तो उसको इस तरह से सॉल्व करना है, और बीच का मैं स्क्वायर दे रखा हो तो वहाँ पे आप पॉइंट भी लगानी है, सिंपल ये बन गया। अब इसको एक बार प्लस करके देखते हैं, हमको चाहिए क्या है, चाहिए तो प्लस करेंगे ए माइनस टू प्लस ए प्लस थ्री, ए प्लस वन बना, ए टू ए प्लस वन, ठीक है। तो ये तो हमको चाहिए नहीं, तो अब क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, ए माइनस टू, ए माइनस टू माइनस ए माइनस थ्री, ए से कटेगा लेकिन माइनस फाइव आएगा, हमको चाहिए क्या, प्लस का फाइव, माइनस फाइव नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ए प्लस थ्री माइनस ए माइनस टू, ए प्लस थ्री माइनस ए माइनस को जमा कर दिया, प्लस का टू, ए से कट गया टू आ गया, मतलब कि हमको ए प्लस थ्री में से ए माइनस टू माइनस करना पड़ रहा है तो हमको प्लस का फाइव मिल रहा है। तो इसी बात को हम यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स नहीं, फाइव एक्स नहीं, फाइव एक्स की जगह तो हमको ये लिखना है, ए प्लस थ्री एक ब्रैकेट में माइनस ए माइनस टू एक ब्रैकेट में एक्स, इसकी जगह क्या लिखना है, ये दो ब्रैकेट है ना, माइनस ए माइनस टू नहीं नहीं हाँ ए माइनस टू, बाकी चीजें हटा देते साइड से, और ए प्लस थ्री, हाँ अब देखिए सारी चीजें हटाए, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई, एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई, ए प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस ए माइनस टू इंटू एक्स माइनस ए माइनस टू ए प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, एक्स कॉमन, यहाँ से एक्स ही कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस ए प्लस थ्री माइनस, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है दोनों में से, है ना, दोनों माइनस तो माइनस कॉमन आ गया, एक आएगा ए माइनस टू कॉमन, ए माइनस टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस ए प्लस थ्री। और जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में कह रहा हूँ, ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो क्वेश्चन सही चल रहा है। इसके बाद एक्स माइनस ए माइनस टू, यहाँ पे एक्स प्लस ए प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, दो ऐसे बनाए, एक्स माइनस ए माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस ए प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इनको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस टू, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का ए प्लस थ्री, ये हमारे हो गए आंसर।
ठीक है, अगर आपको इन्हें करने में दिक्कत आ रही हो तो एक एक करके पहले माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर एक एक करके ट्रांसफर कीजिए। यहाँ पे एक एक करके ट्रांसफर करेंगे ये तो आएगा, फिर मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, इसीलिए ऐसा है पूरा पूरा। ये 20 कैसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे ये 4 माइनस कर दिया है तो क्या फैक्टर होंगे, 5 × 4, 5 × 4 से 20 होते हैं, तो माइनस का 5a प्लस का 4a, नहीं सॉरी b चल रहा है यहाँ पे, तो माइनस का 5b प्लस का 4b, तो माइनस 5 में जो प्लस के 4b रहेंगे तो माइनस का b बचेगा, माइनस का b चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, 20 भी चाहिए, 20 आ रहा है, तो ये फैक्टर करेंगे तो यहाँ से ये भी सॉल्व हो जाएगा हमको। यहाँ पे ये चाहिए तो आपको ये पता होगा, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में जब हम कर रहे थे इसका जो पहला केस था उसमें a प्लस 1 आ रहा था, तो यहाँ पे भी कुछ प्लस प्लस करेंगे तो हमारा ऐसा बन जाएगा। तो ये मैं होप करता हूँ, आई होप कि ये क्वेश्चन, ये वीडियो से आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको और भी वीडियो लेक्चर्स ऐसे चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।